सीएम मैगी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीएम आवास के सामने जलाए मैगी के पोस्टर। यूपी के बाराबंकी में मैगी बनाने वाली कंपनी के खिलाफ केस, यूपी सरकार ने सीजीएम कोर्ट में दर्ज करवाया आपराधिक मुकदमा। मैगी के खिलाफ केस करेगी दिल्ली सरकार, लैब टेस्ट में 13 में से 10 सैंपल फेल, केंद्रीय भंडारों में मैगी की बिक्री पर लगी पाबंदी। राजस्थान में भी शुरू हुई मैगी की जांच, नागौर में नष्ट कराए गए 1200 पैकेट, सभी जिलों में चला जाएगा अभियान। बढ़ता जा रहा है नेस्ले कंपनी की बढ़ती जा रही है मुश्किलें, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी दिए मैगी की जांच के आदेश। हरियाणा में भी होगी मैगी में लेड होने की जांच, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सूबे के सभी सीएमओ को दिया आदेश। मैगी को लेकर केरल में भी सख्ती, सरकार ने सभी आउटलेट पर लगाई पाबंदी। विवादों की वजह से मुंबई में घट गई है मैगी की बिक्री, खाने से बच रहे हैं लोग, दुकानदारों को भी काफी नुकसान। राम मंदिर पर बीजेपी सांसद विनय कटियार ने सरकार को चेताया, लखनऊ में बोले राम मंदिर पर लेना होगा फैसला नहीं तो फूटेगा लोगों का गुस्सा। जम्मू के सरूरा में बाढ़ पीड़ितों के साथ मजाक, मुआवजे के नाम पर 47 से 378 रुपए तक के बांटे गए चेक। यूपी सरकार के मंत्री शिवपाल यादव का अजीबोगरीब बयान, कहा एक भी गड्ढा दिखा तो इंजीनियर को उसी गड्ढे में धकेल दूंगा। इलाहाबाद में मोदी मंदिर पर सवाल पर भड़के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बुलंदशहर में कहा जो भी मंदिर बनाएगा उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। गोरखपुर के सांसद के जनता दरबार में पहुंचा 9 साल का नन्ना फरियादी, रोते हुए मम्मी की डांट को लेकर की शिकायत। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक बार फिर खूनी झड़प, टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। यूपी के इटावा में बीजेपी सांसद के महासंपर्क अभियान में जमकर हंगामा, एमपी से नाराज है पार्टी कार्यकर्ता। सरकारी कर्मचारियों को रमन सिंह सरकार की चेतावनी, नौकरी प्यारी है तो 3 माह के भीतर घरों में बनवाए टॉयलेट। पीने के पानी को लेकर आमने सामने हैं यूपी और एमपी, मध्य प्रदेश के ने बाढ़ सागर प्रोजेक्ट से रोका पानी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दी चेतावनी। महाराष्ट्र के सीएम से मिले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, किसानों के मुद्दे को लेकर हुई बातचीत। रेंट एक्ट की मांग को लेकर पिछले 24 घंटों से केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं छात्र, भूख हड़ताल की भी दी चेतावनी। आईआईटी मद्रास में दलित छात्र संगठन पर पाबंदी को लेकर सियासत गर्म, चेन्नई में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। विवादों में फंसे कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाया चुनावों में गलत हलफनामे का आरोप। जम्मू में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने के खिलाफ प्रदर्शन, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली एसीबी को लेकर केजरीवाल सरकार की कोशिशों को झटका, बिहार के डीएसपी संजय भारती ने स्वास्थ्य का हवाला देकर आने से किया इनकार। जबलपुर के मछुआरा सम्मेलन में एमपी के मत्स्य पालन मंत्री की मुख्यमंत्री से अजीबोगरीब मांग, कहा मछली खाने वालों को सुरक्षा दी जाए। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में एमसीडी सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, दिल्ली सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, वेतन नहीं मिलने से है नाराज। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने मोदी से की मुलाकात, प्रधानमंत्री ने दिया भरोसा सांप्रदायिक आधार पर नहीं जाएगी सियासत। लालू और नीतीश के समीकरणों को फिट करने के लिए सोनिया से मदद की दरकार, आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद बोले बतौर बड़ा भाई दखल दे कांग्रेस। लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिए स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाएंगी पंजाब सरकार, सीएम ने शिक्षा विभाग से 15 दिनों के भीतर मांगी रिपोर्ट।
भूमि बिल को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। रोहतक में बोले, वोट बैंक के चलते हड़बड़ी में पेश किया गया था बिल। बाड़मेर में शहीद भीकाराम के परिजनों को भी इंसाफ का इंतजार। करगिल युद्ध के दौरान सौरभ कालिया के साथ पाक ने बनाया था बंदी। शत विक्षित हालत में लौटा इनाश। बैंगलोर में LGBT संगठनों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। विकास का इंतजार कर रहा है गुरदासपुर का हरदोवाल बथवाला गांव। अश्विनी कुमार ने लिया है गोद, MP की दलील। गांव वाले करेंगे भव्य स्वागत, तभी होगा शुरू काम। बिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी। सरकारी विज्ञापनों और होर्डिंग में दिखाई दे रहे हैं नेता। छत्तीसगढ़ में सरकारी डॉक्टरों को मिली छूट। खत्म प्राइवेट अस्पतालों में काम करने पर सरकार ने लगाई थी पाबंदी। वाराणसी को नशा मुक्त कराने की पहल। BHU से 100 गज की दूरी पर तंबाकू और गुटखा की दुकानों पर बैन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ पूर्णिया में कृषक सभा का विरोध प्रदर्शन। करीब 2 घंटे तक NH 32 पर लगाया जाए। फरीदाबाद के अटाली में 2 गुटों के बीच हिंसा। सियासत गर्म, असद्दीन ओवैसी के बाद साध्वी प्राची ने भी किया दौरा। मोबाइल टावरों पर आतंकी हमले के बाद उत्तरी कश्मीर में चरमराई फोन सेवा। अपने घरों पर लगे टावर हटा रहे लोग। घाटी में मोबाइल टावरों पर हमले से सख्ते में है मुफ्ती सरकार। सूबे के मुख्यमंत्री ने नहीं दिए सवालों के जवाब। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एक घर में छिपे सभी 4 आतंकी ढेर। इलाके में अब भी जारी है सर्च ऑपरेशन। योग गुरु रामदेव के पतंजलि फूड पार्क विवाद में सामने आया नया वीडियो। उपद्रवियों ने कार पर किया था हमला। गुड़गांव में उबर कैब के ड्राइवर ने महिला के साथ की बदसलूकी। पीड़ित ने जबरन किस करने का लगाया आरोप। ड्राइवर गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग में कोर्ट परिसर में AK-47 से फायरिंग। एक गैंगस्टर की पेशी के दौरान वारदात। गोलीबारी में 3 की मौत। चिटफंड घोटाले के आरोप में विन रियल कॉल के खिलाफ CBI की कार्रवाई। कंपनी के 5 डायरेक्टर गिरफ्तार। सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर लुधियाना में मोबाइल टावर पर चढ़ा एक शख्स। घंटों चलता रहा ड्रामा। लखनऊ में मां बेटी की हत्या। घर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस के हाथ अब तक खाली। पटना सिटी में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी तादाद में देसी हथियार बम बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। केरल के त्रिचूर में एक सिक्योरिटी गार्ड पर डॉक्टर के बेटे ने किया हमला। पार्किंग को लेकर हुए विवाद पर बड़ी बात। देहरादून के एक घर से बाइक और स्कूटर ले उड़े पुलिस वाले। CCTV में कैद हुई तस्वीरें तो बोले, लोगों को सबक सिखाने के लिए हटाई गई थी गाड़ियां। बिजनौर में अवैध खनन को लेकर गैंग वॉर। 2 गुटों के बीच जबरदस्त फायरिंग। 3 की मौत। दिल्ली के उत्तम नगर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। एक्साइज इंस्पेक्टर की पत्नी और बच्चों की गला रेत कर हत्या। उत्तरी 24 परगना में चोरी के एक आरोपी की भीड़ ने की पिटाई। पुलिस के बीच बचाव से बची जान। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस वालों और 3 युवकों के बीच हाथापाई। लड़कों ने फाड़ी ट्रैफिक पुलिस की वर्दी तो बीच चौराहे पर पुलिस वाले ने की पिटाई। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में रेप पीड़ित ने की खुदकुशी। आरोपियों ने कोर्ट परिसर में दी थी जान से मारने की धमकी। यूपी के गाजीपुर में मदरसा मैनेजर पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। गांव वालों ने जमकर की धुनाई। मदरसे में तोड़फोड़ और आगजनी। पीलीभीत में पुलिस वालों पर हमला। बाइक से धक्का देकर फरार होने की फिराक में था इनामी बदमाश, लेकिन सिपाही ने दिखाई बहादुरी। शाहजहांपुर में दबिश देने गई पुलिस से बचने के लिए एक युवक ने खुद को किया आग के हवाले। बाद में पुलिस वाले पर लगाया आरोप। पंजाब के बठिंडा में एनकाउंटर के बाद नामी गैंगस्टर गिरफ्तार। 19 मामलों में थी पुलिस को तलाशी। गुड़गांव के पटौदी में एक फौजी ने
दूसरे फौजी को मारी गोली, एक की मौत। हत्या के बाद आरोपी ने की खुदकुशी की कोशिश। कानपुर के सरकारी अस्पताल पर घोर लापरवाही का आरोप, एक मरीज की मौत के बाद लाश को ले जाने के लिए नहीं मुहैया कराया स्ट्रेचर। कैमरे में कैद हुई फरुखाबाद के पुलिस वालों की घूसखोरी, सिपाही और दरोगा सस्पेंड। कानपुर में युवती को झांसा देने वाला फर्जी दरोगा गिरफ्तार, दोस्त की वर्दी पहनकर रॉब गाटता करता था प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला संजय सिंह। सामने आया चंडीगढ़ के डिस्कोथेक में शूटआउट का वीडियो, दो दिनों पहले कुछ युवकों ने फिल्मी स्टाइल में की थी फायरिंग। एक कैदी की खुदकुशी के बाद मुगलसराय में परिजनों का हंगामा, लाश को सड़क पर रखकर लगाया जाम। राजस्थान के भीलवाड़ा में पत्नी ने की पति की पिटाई, 6 महीने से गायब था पति, नजर अचानक आया तो सरेआम चप्पलों से पीटा।